सर, मोदी का युग आने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ये नंबर मिले हैं, तो ये अलग किस्म की स्थितियां बनी। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, वहां के जाति समीकरण जिस तरीके से सिर उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर पूरा सबको हिंदू बना दिया था और विकास की धारा में लाकर अपना वोट बैंक तैयार किया था, वहां पर तमाम जातियां तमाम गुट सिर उठा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पीछे बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के पीछे बैठे हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे। तो अब मुझे तो यही लग रहा है सारे दिग्गज तो यहाँ मंच पर है, तो फिर बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? ये चीज और जो बात कही जाती है कि मतलब चुनाव 2014-19 का, खासतौर पर 19 का, ओबीसी वोट बैंक बहुत उसमें डिसाइडिंग फैक्टर था। इस बार ओबीसी के साथ साथ पिछड़े के साथ अति पिछड़ा, ये जो पीडीए का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का था वो क्लिक किया और हिट भी रहा। तो क्या उसके काट के तौर पर कोई ऐसा नाम होगा जो उस वर्ग से आता हो ताकि उससे आप एटलीस्ट बिहार और यूपी को आप साध सकें? नहीं, हो सकता है, क्योंकि अगर आप अयोध्या और उसके सराउंडिंग कंटिगुअस एरियाज को देखेंगे तो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा तो फिर चला नहीं, क्योंकि आप अयोध्या हार गए, आप सीतापुर हार गए, आप बाराबंकी हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, तो वो जो पूरा एरिया है वो हाथ से आपके चला गया। और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, जो हिंदू कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी जी के पीछे होती थी वो इस बार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं। फैजाबाद सीट के बारे में चीज है कि जो अयोध्या सीट है, जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, अयोध्या जो सीट है वो बीजेपी के पास, बीजेपी के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट वहां से मिले हैं, बाकी अदर्स जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर सारे कम मिले, सारे हार गए। और ये देखिए, मुझे अब काफिला दिखने लगा है, कारगेट आता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कारगेट, ऐसा मेरा कयास है कि ये है। और राष्ट्रपति भवन में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि देखिए अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी शपथ नहीं ली है, तो मुझे कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही उनको कहना चाहिए। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हुए, उनकी गाड़ियों का काफिला हमें दिख रहा है, हालांकि अभी हमें उनकी पहली झलक नहीं मिली है। उनके कपड़ों की चर्चा हमेशा होती है, आज देखिए आज इंतजार रहेगा, ये राष्ट्रपति की गाड़ी मुझे लग रही है, ये राष्ट्रपति, क्योंकि अब ये देखिए जैसे ही गाड़ियां पहुंचेंगी काफिला, ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो रेंज रोवर वाली गाड़ियां का काफिला होता है, ये किसी राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ी भी हो सकती है जो देशों से हमने आमंत्रित किया हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये पूरा काफिला है, लीजिए हमें जानकारी मिल गई है, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं और हर तस्वीर सबसे पहले हम जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन भी, आप नजर मत हटाइएगा साइड से, आपको यहां पर जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि नमो शपथ 3.0 का ये पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और अब आज शपथ के बाद वो 18वीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आगे देश के लिए काम करेंगे। और ये साधु संतों का भी पूरा जमावड़ा, इनको एक खास जगह दी गई है, स्मृति ईरानी इस समय आपको दिखाई दे रही है, पीछे जनरल वीके सिंह बैठे हुए हैं, हालांकि चुनाव जनरल वीके सिंह हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार लड़े नहीं, अच्छा जनरल वीके सिंह इस बार लड़े नहीं, बिल्कुल ठीक है, आर के सिंह हारे बिल्कुल ठीक है। और ये आप जानते हैं, ये दो डिसाइडिंग, 6 मिनट से भी कम का वक्त बचा, सरकार के दो सबसे बड़े जो पिलर्स हैं वो इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमें दिखाई दे रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य के दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, अश्विनी चौबे भी बैठे हुए हैं नीचे, नजर आ रहे हैं। और देखिए 7:09 हो चुका है, 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है, राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनका इंतजार इस पूरे कार्यक्रम में, मेहमानों का जो पूरा हुजूम जिसे कहा जाए वो इस समय तस्वीरों में हमें देखने को मिल रहा है, एक भव्य दृश्य, जितने भी लोग बैठे हुए उसमें सबसे सीनियर मोस्ट जोशी जी चेहरा दिख रहा है, वो मुरली मनोहर जोशी जी सबसे, अगर आडवाणी जी की अगर सेहत अच्छी होती तो शायद आज वो भी यहाँ पर हमें नजर आते, बिल्कुल, तो सबसे सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर इस वक्त मुरली मनोहर जोशी, इस वक्त हमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के रथ से ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जब उनकी एकता यात्रा थी तो वहीं से एक तरीके से देखा जाए तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एक अलग शुरुआत हुई थी, तो उस पर एक अलग कद बढ़ा था। तो अक्सर अब ये देखिए ये काफिला गाड़ियों का और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति, और ये मंच की तस्वीरें भी हम साथ में आपको दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा साहब इस समय फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी के बराबर में अमित शाह बैठे हुए हैं, ये प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत
डीडी न्यूज शो के प्रसारण कर रहा है तो बार बार प्रसार भारती के चेयरमैन को भी दिखा रहा है, बार बार वो दिखाई पड़ रहा है। रवीना टंडन भी दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए उनके आगे बैठे हुए हैं। तो तमाम उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग, अक्षय कुमार और शाहरुख खान हमें यहाँ पर दिखाई दिए, मुकेश अंबानी दिखाई दिए, कंगना रनौत तो खैर बीजेपी की सांसद बन गई, तो अब उनको अभिनेत्री नहीं कहेंगे, सांसद कहेंगे।